हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कॉन्टेक्ट सेकेंड LLB सेकेंड सेमेस्टर का जो तीसरा अध्याय है वो गिरवी रूपी उपनिदान, बेलमेंट ऑफ प्लीजेस। दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा धारा 172 में गिरवी, प्रणयकार और प्रणयदार की परिभाषा। ये दोस्तों धारा 172 में, दोस्तों गिरवी क्या होता है, इंग्लिश में इसको प्लीज कहते हैं, प्लेज, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रत्याभूति के तौर पर माल का उपनिदान गिरवी कहलाता है। इसमें दोस्तों कह रहा है किसी ऋण को लेने के लिए या प्रतिभूति गारंटी के तौर पर हम कोई वस्तु रखते हैं तो गिरवी कहलाता है। प्रणयकार क्या होता है, इंग्लिश पार्टनर कहते हैं, जिसको गिरवी कर्ता उपनिदाता भी कहते हैं, जो अपनी वस्तु दूसरे पक्षकार प्रणयकार या गिरवी ग्राहक को ऋण के भुगतान या प्रतिज्ञा पालन के प्रतिभू के तौर पर परिदान डिलीवरी करता है। प्रणयकार वही है दोस्तों जो अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देता है गारंटी के तौर पर। और दोस्तों प्रणयदार क्या होता है, पौनी उपनीति बेली को प्रणयदार या गिरवी गिराही कहते हैं, जो ऋण देता है उसको बदले वस्तु के प्रतिभूति के तौर पर स्वीकार करता है। दोस्तों प्रणयदार वही होता है जो लोन देता है, ऋण देता है, उसके बदले में वो गिरवी चीज भी रखता है और वही प्रतिभूति लेता है। गिरवी के दोस्तों पक्षकार भी होते हैं, पहला होता है प्रणयकार पार्टनर और दूसरा होता है प्रणयदार पौनी। और गिरवी की आवश्यकता एसेंशियल ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लीज। दोस्तों पहला इसका ये होता है, गिरवी की आवश्यक तत्व में गिरवी केवल चल संपत्ति की हो सकती है। पहला इसमें जो आवश्यक तत्व होता है एसेंशियल इंग्रीमेंट्स ऑफ प्लीजेस। दूसरा होता है दोस्तों संपत्ति का कब्जा, इसमें संपत्ति कब्जा होना चाहिए। तीसरा होता है संविदा के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब जो गिरवी होना चाहिए वो संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। और चौथा है वो ऋण के लिए गिरवी होना चाहिए। पांचवा होता है गिरवी प्रतिभू के रूप में होना चाहिए। और जो छठा है ऋण का भुगतान ना किए जाने पर वस्तु को रखने का अधिकार, जो गिरवी ली रखी जाती है अगर वो भुगतान नहीं किया जाता तो गिरवी को रखने का अधिकार। दोस्तों चलो बताते हैं गिरवी केवल चल संपत्ति को सकती है, तो चल संपत्ति पता है आपको। दूसरा है संपत्ति का कब्जा। दोस्तों इसमें गिरवी के अंतर्गत संपत्ति का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा होना आवश्यक है। जिस वस्तु का कब्जा नहीं दिया जा सकता उसे गिरवी के रूप में नहीं रखा जा सकता, अतः वस्तु को अस्तित्व में होना आवश्यक है। तत्पश्चात ही कब्जे का प्रश्न उत्पन्न होता है। दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं कि संपत्ति पे कब्जा होना आवश्यक होता है, या वास्तविक हो या रचनात्मक हो। जो आप फिर उसके बाद संविदा के अंतर्गत कब्जा होना चाहिए, इसमें है गिरवी में वस्तु का परिदान डिलीवरी कहते हैं ऋण के अंतर्गत होता है, और ऋण के लिए ये गिरवी होता है। तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों कार्य एक ही समय हो। संविदा का ये प्रावधान है कि पहले ऋण तब माल दिया जाएगा या माल के बाद में ऋण लिया जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में गिरवी मान होती है। दोस्तों इसमें संविदा के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए गिरवी। और इसका जो चौथा है वो ऋण के लिए, वस्तु का परिदान जो डिलीवरी होती है ऋण के लिए या प्रतिज्ञा की या कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। जो आपका पांचवा है वो प्रतिभूति के रूप में होनी चाहिए। जब माल का परिदान डिलीवरी ऋण के भुगतान के लिए या प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रतिभू के रूप में होता है तो इसे गिरवी कहते हैं। और जब इसका ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो प्रतिज्ञा का पालन हो जाता है तो जो गिरवी वस्तु होती है उसे वापस करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो छठवां ऋण का भुगतान ना किए जाने पर वस्तु को रखने का अधिकार। दोस्तों अगर
पड़यमकार या पौनर ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है तो पड़यमदार को पौनी को वस्तु रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये होता है गिरवी के पक्षकार, तो उसको बता दिया है पड़यमकार और दूसरा है पड़यमदार। और गिरवी कौन रख सकता है इसके बारे में ये बताएंगे। यह जिस व्यक्ति को माल का मालिकाना हक प्राप्त हो वह गिरवी रख सकता है या उसके द्वारा अधिकृत किए जाने पर कोई अन्य व्यक्ति गिरवी रख सकता है। तो दोस्तों धारा 178 में वाणिज्य अभिकर्ता द्वारा गिरवी, जहाँ की कोई वाणिज्य अभिकर्ता स्वामी की संपत्ति से माल पर या माल के हक की दस्तावेज पर कब्जा रखता है वहाँ वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारोबार के मामूली कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी उतनी विद्यमान होगी मानो वह माल के स्वामी द्वारा उसे करने के लिए अभ्यक्त रूप से प्राधिकृत हो। परंतु ये तब जबकि पड़यमदार सद्भाव पूर्वक कार्य करे और गिरवी के समय उसे सूचना ना हो कि पड़यमकार गिरवी रखने का प्राधिकार नहीं रखता है। दोस्तों ये वाणिज्य अभिकर्ता रखता है अगर उसे इसी प्रकार की दस्तावेज द्वारा पूरी जानकारी हो और उसे आदेश दिया गया हो और वह दस्तावेजों पर कब्जा रखता हो तो वह गिरवी रख सकता है। और वह व्यक्ति जो गिरवी नहीं रख सकते हैं वो है पत्नी जो अपने पति के जेवरात कि उसकी तरफ से अभिरक्षक या कस्टडी में है तो उसके पत्नी जो अपने पति की जेवरात है तो उसको वो नहीं रख सकती। नौकर जिसे मालिक ने अपनी अनुपस्थिति में माल सुपुर्द किया है या दिया है तो वह गिरवी नहीं रख सकता है। व्यक्ति जिसे माल भाड़े पर दिया गया है तो वह गिरवी नहीं रख सकता है। दोस्तों धारा 178 का में सुन्नीकरण संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी, तो इसके बारे में यदि कोई व्यक्ति ऐसी संविदा के अंदर वस्तु को प्राप्त करता है जो सुन्नीकरण है या जो विधि द्वारा ठीक नहीं है तत्पश्चात उसे गिरवी रख देता है। अगर जो सुन्नीकरण है तो अगर कोई व्यक्ति उसे गिरवी रख देता है तो गिरवी ग्राही सद्भावनापूर्वक गिरवी करता के स्वत की सूचना के बिना उसको स्वीकार करता है तो ऐसी परिस्थिति में गिरवी मान होगी बशर्ते कि गिरवी किए जाने के पहले संविदा सुन न कर दी गई हो। दोस्तों इसमें यह है कि अगर सुन्नीकरण संविदा में अगर गिरवी रख दी जाती है कोई तो वो मान होगी जब तक कि उसे संविदा को सुन न कर दिया गया हो। और 179 में 179 में गिरवी जहाँ की पड़यमकार केवल पद सीमित थे रखता। दोस्तों इसमें बता रहे हैं जहाँ की कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित रखता है वहाँ गिरवी उस हित के विस्तार तक विद्यमान है। दोस्तों जैसे 1,000 रुपये के लिए माल खा के पास गिरवी रखता है, खा उस माल को अपने हित की सीमा तक 1,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को गिरवी रख सकता है। यदि वह अधिक के लिए गिरवी रखता है तो भी खा ने जितनी रकम के लिए खा के पास गिरवी रखा है इतनी रकम देकर माल वापस रख सकता है। दोस्तों इसमें जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गिरवी रखता है तो दूसरा व्यक्ति भी तीसरे व्यक्ति को गिरवी रख देता है तो जितना पहले व्यक्ति ने अपनी वस्तु को गिरवी रखा है तो उतना ही माल पैसा देकर अपने माल को वापस कर सकता है। जैसे पहले व्यक्ति ने 1,000 रुपये देकर गिरवी रखा है तो दूसरे व्यक्ति ने 2,000 रुपये देकर उस वस्तु को गिरवी रखा है तो जो पहला व्यक्ति है तो अपने माल को 1,000 रुपये में ही वापस ले सकता है। दोस्तों उसके बाद उपनिदान व गिरवी में अंतर इसमें बता दें उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करता है डिलीवरी करता है कि जब वह कार्य पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे परिदान करने वाले निर्देशों के अनुसार अन्यथा चयनित किया जाएगा। दोस्तों ये उपनिदान में एक उद्देश्य के लिए माल को दिया जाता है कि वो जब कार्य पूरा हो जाएगा तो वह कार्य पूरा होने के बाद वस्तु को वापस कर देगा। और गिरवी में किसी ऋण के लिए या किसी वचन पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिदान गिरवी कहलाता है।
दोस्तों किसी गिरवी के लिए, गिरवी रखने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, तो उसके उसके लिए माल रखा जाता है तो गिरवी कहलाता है। और जो दूसरा है उपनिदान में, जब उपनिदाता उपनीति द्वारा किए गए विधिक व्ययों व खर्चों का भुगतान नहीं करता तो उपनीति उपनीत माल को रोक सकता है, जिसे उपनीति का दंडाधिकार कहते हैं। और गिरवी में यदि पड़ैमकार उस ऋण का संदाय करने में या निश्चित समय पर उस वचन का पालन करने में जिस वस्तु का माल गिरवी रखा गया चूक करता है, तो पड़ैमदार पड़ैमकार को युक्ति उस सूचना देकर गिरवी का माल वापस विक्रय कर सकता है। गिरवी व बंधक में अंतर है, जो इसका तीसरा डिफरेंस बिटवीन प्लीज एंड मोर्टेज। गिरवी ऋण के लिए या ऋण की अदायगी या प्रतिज्ञा पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में उपनिदान है। गिरवी में साधारणतः वस्तु का कब्जा किया जाता है। सादे बंधक में बंदगी को बंधक की गई संपत्ति का कब्जा न सौंपकर बंधनकर्ता का ही कब्जा बना रहता है। गिरवी में धन की अदायगी न होने पर गिरवाई नोटिस देने के उपरांत वस्तु को बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। बंधकी में बंधकी व संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। दोस्तों उसके बाद है पड़ैमदार के अधिकार, राइट्स ऑफ ओनी। पहला अधिकार है प्रतिधारण का अधिकार, पौनी राइट्स ऑफ रिटेनर। और जो दूसरा अधिकार है वो पड़ैमदार या गिरवी किराए के माल रोकने का अधिकार, पौनी राइट्स ऑफ रिटेनर। ये गिरग्राही का सर्वप्रथम ये प्रमुख अधिकार है। गिरग्राही गिरवी की गई वस्तु को न केवल ऋण के भुगतान या प्रतिज्ञा पालन बल्कि ऋण के ब्याज एवं वस्तु को संभालने में हुए आवश्यक खर्चे के लिए रोक सकता है। इस प्रकार जब तक उसे आवश्यक खर्च ब्याज मूल ऋण प्राप्त न हो जाए, वह गिरवी की गई वस्तु को अपने पास ही रखने के लिए अधिकृत होता है। इस अधिकार की सुरक्षा के लिए गिरवी ग्राही के पास एक प्रकार का विशेष स्वामित्व रहता है। किया था कभी बात।